नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोगों के समक्ष एक प्लांट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है ब्रोहोविया डिफ्यूजा। इसका लैटिन नाम जो है ब्रोहोविया डिफ्यूजा है, इसको हिंदी में पुनर्नवा, देहात भाषा में इसको साठी लोग भी कहते हैं। इसको संस्कृत में भी पुनर्नवा या सोथग्नी के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में स्प्रेडिंग हॉगवीट के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोगों के सामने पुनर्नवा, ये जो प्लांट्स दिखा रहे हैं ये पुनर्नवा है। पुनर्नवा दो प्रकार के होता है, एक वाइट कलर के होते हैं और दूसरा रेड कलर के होते हैं, जो कि उजला और लाल कलर के होते हैं। ये जो है पुनर्नवा जो है पीलिया, अधिकतर आदमी को पीलिया रोग से लोग परेशान हो जाते हैं, जो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, वहाँ भी दिखाएं और मैं जो बता रहा हूँ उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लें और उसका प्रयोग करें। मैं वादा करता हूँ कि ये भी जो है आप लोग के शरीर के ऊपर काम करेगा। पीलिया जैंडिस, जिन व्यक्ति को पीलिया की शिकायत हो, लीवर संबंधी परेशानी हो, तो पुनर्नवा की जड़ का रस निकालकर सुबह शाम पिलावें, आराम मिलेगा। यदि पुनर्नवा की ताज़ी जड़ न मिले तो इसकी सूखी जड़ का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिए, इससे लीवर संबंधी परेशानी दूर होगी और पीलिया रोग में भी आराम मिलेगा। आप लोगों को पहले इस वीडियो के पहले भुई आंवला के बारे में बताए थे, भुई आंवला वो भी जो है जैंडिस में काम करता है और ये भी जो है पुनर्नवा, ये भी आपको जैंडिस के रूप में, जैंडिस रोग में जो है काम करता है। ये देखिए, यही है आपको पुनर्नवा, जो कि ये जो है जानवर जो है इसको बहुत चाव से खाता है लोग। अब आपको बता रहे हैं बुखार जो है पुराने बुखार के लिए पुनर्नवा रामबाण औषधि है। जिनके बहुत पुराना बुखार हो और ठीक नहीं हो रहा हो, तो वे पुनर्नवा की जड़, गिलोय और थोड़ी तुलसी की पत्ती को मिलाकर काढ़ा बनाकर पिए। यह मूत्रल है, इससे पेशाब खुलकर होगा और आपके शरीर के विजातीय तत्व, रोगाणु, जीवाणु एवं विषाणु निकल जाएंगे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको भूख नहीं लगती है, तो यह पुनर्नवा जो है भूख बढ़ाने में भी यह औषधि बहुत ही कारगर है। देखिए, मैं जो है आप लोगों के सामने, ये बगीचा है, बगल में रेलवे लाइन है, यही रेलवे लाइन के बगल में जो है मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन व्यक्ति को भूख कम लगती हो, तो भूख बढ़ाने के लिए यदि आपको भूख नहीं लगती है, अपच की शिकायत रहती है, अफरा है, तो पुनर्नवा की पत्ते को पीसकर मिश्री मिलाकर शरबत बनाकर पिए, इससे भूख लगेगी, अपच की शिकायत दूर होगी और पेट के अफारे में भी आराम मिलेगा। शोथ एवं पीलिया, जिन व्यक्ति को शोथ की शिकायत है, पीलिया है, वे पुनर्नवा के पंचांग का सेवन करें। इसके लिए पुनर्नवा की 5 भाग, जैसे जड़, टहनी, फल, फूल एवं पत्ते को सुखाकर मोटा मोटा कूट कर डिब्बा में रख ले। इसके 5 से 7 ग्राम चूर्ण को 400 ग्राम पानी में उबाले। जब यह पानी 1/4 बच जाए तो उसे छान कर पिए, इससे शोथ एवं पीलिया की शिकायत दूर होगी। देखिए, ये जो है आपको दिखाई रहे हैं कि ये जो है बाग बगीचे के बगल में जो है आप लोग भी दर देहात में जो है अधिक देखने को मिलता है, बशर्ते कहा गया है कि लगहीं बावे परचे नहीं, वही बात है।
लोग देखते हैं, गांव देहात में देखते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो है कहां कहां पर किया जाता है ये जो है बहुत कम ही लोगों को जानकारी होता है, जो कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे वीडियो जो है आप लोग देख रहे हैं, उसे देखने के बाद से आप सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, तथा बेल घंटी को भी बजा देंगे तो आप लोग को आगे वाले वीडियो को जो भी बनाऊंगा वो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो आजकल जो है बहुत ऐसे आदमी हैं जिनको कमजोरी का भी शिकायत है, तो जिनको शारीरिक कमजोरी है, अच्छे खान पान के बावजूद शरीर पुष्ट नहीं है, खाते तो बहुत हैं लेकिन उनके शरीर में लगता नहीं है, उनके लिए पुनर्नवा की जड़ को छाया में सुखाकर पाउडर कर लें, उसमें मिश्री एवं अश्वगंधा मिलाकर प्रातः सायं सेवन करें। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होगी और शरीर की शक्ति एवं ऊर्जा में वृद्धि होगी। प्रदर रोग से पीड़ित महिलाएं भी इसका प्रयोग कर सकती है, उनके लिए भी लाभकारी है। ये जो है स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए जो है शारीरिक कमजोरी जिनको भी है, स्त्री एवं पुरुष को, वो दोनों के लिए ही बहुत ही लाभकारी है। खूनी बवासीर, पुनर्नवा के मूल को पीसकर फीकी छाछ 200 मिलीग्राम या दूध में 200 मिलीलीटर के साथ पिए। अनिंद्रा में पुनर्नवा के पत्ते को सब्जी सोंठ डालकर खाएं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे को जलोदर की रोग हो जाया करती है, उसमें जो है पुनर्नवा की जड़ के 2 से 3 ग्राम चून को शहद के साथ खाएं तो उसमें जलोदर में लाभ होगा। संधिवात, पुनर्नवा के पत्ते की सब्जी सोंठ डालकर खाएं, उसमें संधिवात में भी लाभ होगा। आजकल जो है खान पान की गड़बड़ी कहिए या जो भी कहिए, जो है शरीर में जो है अधिकतर सूजन हो जा रहा है शरीर। बहुत लोग देहात में लोग कहते हैं कि मोटा गया है, लेकिन मोटाता नहीं है वो लोग, शरीर जो है सूज जाता है, फूल जाता है, जिसके कारण थायराइड एवं अन्य रोग भी उत्पन्न होता है। तो सूजन के लिए जो भी है ये पुनर्नवा, जो कि आपको बता रहे हैं, पुनर्नवा की जड़ का काढ़ा पिलाने एवं सूजन पर जड़ को पीस कर लेप करने से भी लाभ होगा। पुनर्नवा आपको बताए यह दो प्रकार का होता है, एक होता है उजला और एक होता है लाल। देखिए यहीं पर आपको हम बता रहे हैं, ये जो पुनर्नवा है, देखिए ये भी पुनर्नवा है, लेकिन इसका जो है अभी जो है डाल जो है देख रहे हैं हरा है, और इसका जो डाल है ये भी पुनर्नवा है, इसका जो है ये लाल है। देखिए ये जो फूल निकल रहा है, देखिए, तो इसको आप लोग, मेरा प्रयास है कि आप लोग इसको जानें, पहचानें, और ये जो है पुनर्नवा, इसका आप लोग प्रयोग करें और फायदा उठाएं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग इसको जानें, पहचानें और इसका उपयोग करें, और मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को ये आसानी से देखने को मिले। मैं बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।